Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sanu Nonstop. It's me guys, sweet Sanu, and you are watching Sanu Nonstop. So guys, again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है 13 बिजार थिंग्स दैट ओनली एग्जिस्ट इन नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या क्या ऐसी जो है वो अजीबोगरीब किस्म की चीजें, अजीबोगरीब किस्म के रूल है, तो वो तो वीडियो के अंदर जाकर ही पता चलेगा. लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा मुझे ये कि आप लोगों में से कौन कौन बंदा जो है वो नॉर्थ कोरिया जा चुका है और किस किस को ये वाली चीजें जो है वो एक्सपीरियंस करना वहां पर अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा. नॉर्थ कोरिया या बीटीएस के फैन जो है ना वो आज कमेंट बॉक्स के अंदर अटेंडेंस लगवाए. जरा बीटीएस आप लोगों को पसंद है कि नहीं, तो चलिए गाइस वीडियो को कर लेते हैं स्टार. लेकिन उससे पहले गाइस जितने लोग नए हैं मेरे चैनल पर, जितने लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, पहले फटाफट जल्दी जल्दी मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक, उसे आप लोगों की बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी. बाकी की बात साथ वीडियो के लास्ट में ही मेक श्योर वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा. नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक लौता देश है जिसे एक मरा हुआ आदमी रूल कर रहा है. नॉर्थ कोरिया के फाउंडर थे किम इल संग, जिन्हें मरे अब लगभग 30 साल हो गए हैं, पर वहाँ के लोगों का लगता है किम इल संग अभी भी राज कर रहे हैं एक आत्मा की रूप में. नॉर्थ कोरियन सिटीजन जब पॉटी करते हैं तब उन्हें उनकी पॉटी को जमा करवाना पड़ता है गवर्नमेंट के पास. जितना ज्यादा आप नॉर्थ कोरिया के बारे में जानोगे आप उतना हैरान हो जाओगे. तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में 13 ऐसी नॉर्थ कोरियन चीजों के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर आप ऊपर वाले का शुक्रिया करोगे कि आप नॉर्थ कोरिया में पैदा नहीं हुए. ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले. पहले नंबर में है इलेक्शन. नॉर्थ कोरिया को 1948 से एक ही फैमिली रूल कर रही है, पर आपको सुनकर हंसी आएगी कि वहाँ इलेक्शन हर साल होते हैं और हर किसी को वोट करना कंपलसरी है. फनी चीज ये है कि इलेक्शन कैंडिडेट हर साल बस एक ही होता है. वहाँ के लोग पोलिंग बूथ तो जाते हैं पर लिस्ट में बस एक नाम ही होता है, उन्हें उसे वोट देना पड़ता है. दूसरे नंबर में एजुकेशन. हम हमारे बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो बस फीस भरते हैं, पर नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है. वहाँ के पेरेंट्स को फीस तो भरना पड़ता है और उन्हें अपने बच्चों के लिए डेस्क और चेयर भी खरीद के देना पड़ता है स्कूल को, और जो ऐसा नहीं कर पाता उसे स्कूल में एडमिट नहीं किया जाता है. तीसरी चीज है पनिशमेंट रूल. हम कोई गलत काम करें तो कोर्ट हमें पनिश करेगी और जिसने गलत काम किया उसे ही पनिश किया जाएगा. पर नॉर्थ कोरिया में अगर किसी ने कुछ गलत काम किया तो उसे तो पनिशमेंट मिलेगी ही, पर उसके साथ उसके 3 जनरेशन को भी पनिशमेंट मिलेगी. अगर किसी बंदे ने कुछ क्राइम किया तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके माँ बाप और उसके बच्चे सबको जेल में डाल दिया जाता है. इसे कहते हैं 3 जनरेशन पनिशमेंट. चौथी चीज है कॉलिंग. आपके पास फोन है, आप जिसे चाहे कॉल कर सकते हो, पर नॉर्थ कोरिया में इसमें भी काफी पाबंदी है. नॉर्थ कोरिया में लोगों को इंटरनेशनल कॉल करना अलाउड नहीं है और ये एक सीरियस क्राइम है. 2007 में एक नॉर्थ कोरियन फैक्ट्री बॉस को एग्जीक्यूट किया गया गोली मारकर, वो भी 1.5 लाख लोगों के सामने, जस्ट बिकॉज उसने अपने फोन से एक इंटरनेशनल नंबर डायल किया था. पांचवी चीज है लीडर किम जोंग उन से गद्दारी. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमें हक है किसी भी चीज से अग्री या डिसअग्री करने का, पर नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है. नॉर्थ कोरिया में डिसलॉयल्टी का अगर आप डेफिनेशन सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे. नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन के मीटिंग में अगर किसी ने यौन की या सो गया तो उसे डिसलॉयल्टी माना जाएगा और उसे डेथ पेनल्टी दी जाती है. 2015 में नॉर्थ कोरियन डिफेंस मिनिस्टर योंग योंग चोल को 100 लोगों के सामने गोली मारकर सजाए मौत दी गई. पता है क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उनके मीटिंग में सो गए थे. छठे नंबर में है टीवी चैनल्स. इंडिया में 1000 से भी ज्यादा टीवी चैनल्स हैं. हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, पर नॉर्थ कोरिया के लोग इतने लकी नहीं हैं. उनके टीवी में बस 4 चैनल दिखाया जाता है, वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होती है. चैनल्स तो छोड़िए, अगर आपको टीवी भी खरीदना है तो भी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा और ये अप्रूवल इतनी आसानी से नहीं मिलती है. मिल भी जाए अप्रूवल तो भी आपके पास बस 4 चैनल का ही ऑप्शन है. सातवीं चीज है फर्टिलाइजर. 2008 में साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को फर्टिलाइजर भेजना बंद कर दिया था एग्रीकल्चर के लिए. नॉर्थ कोरिया काफी प्रॉब्लम्स में आ गया था क्योंकि फर्टिलाइजर के बिना एग्रीकल्चर नहीं होगी और एग्रीकल्चर के बिना अनाज नहीं उग पाएगा. तो उसके बाद नॉर्थ कोरियन रिजिम ने एक न्यू लॉ बनाया. उस लॉ के अकॉर्डिंग हर नॉर्थ कोरियन सिटीजन को अपना पूप गवर्नमेंट अथॉरिटीज को देना होता है सो दैट उसे एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सके एग्रीकल्चर में. आठवीं नंबर में है पावर कट्स. आपको तो पता है पावर कट्स कितने इरिटेटिंग होते हैं. हमारे यहाँ पावर कट होता है तो हम कहीं और दोस्त या रिलेटिव के यहाँ चले जाते हैं, पर नॉर्थ कोरिया में हर रात को पावर कट होता है और वो भी पूरे कंट्री में. पूरा नॉर्थ कोरिया कंट्री रात को अंधेरे में चला जाता है. ये सारी दुनिया को तब पता चला जब एक फोटो वायरल हुआ जिसमें देखा गया स्पेस से कि नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से ब्लैक्ड आउट है.
नॉर्थ कोरिया का इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुराना है और सब खराब हो रहा है। अब काफी सैंक्शंस की वजह से वो ठीक तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं जनरेट कर पाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए रात में पूरी नॉर्थ कोरिया में पावर कट रहता है। इसी वजह से टीवी, ओवन, कंप्यूटर वगैरह लेने से पहले वहां के लोगों को गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। नौवीं चीज है ब्लू जीन्स। हमारा सबसे कॉमन ड्रेस होता है जीन्स, और वो भी ब्लू जीन्स, पर नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स बैंड है। अगर किसी ने ब्लू जीन्स पहना तो उसे एज अ क्रिमिनल देखा जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। और आपको तो पता है वो बंदा अकेला नहीं जाएगा अंदर, अपने साथ उसकी 3 जनरेशन को भी ले जाएगा। नॉर्थ कोरिया मानता है ब्लू जीन्स अमेरिका के इंपीरियलिज्म की निशानी है और नॉर्थ कोरिया अमेरिका से बहुत नफरत करता है, इसीलिए ब्लू जीन्स नॉर्थ कोरिया में बैंड है। दसवीं चीज है हेयर स्टाइल्स। हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं हेयर स्टाइल के। हमें कोई सेलिब्रिटी पसंद आ गया तो हम उसकी तरह हेयर स्टाइल रख लेते हैं, पर नॉर्थ कोरियंस इतने लकी नहीं है। नॉर्थ कोरिया में बस 28 टाइप के हेयर स्टाइल होते हैं और वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, 10 हेयर स्टाइल लड़कों के लिए और 18 लड़कियों के लिए। आपको बस इन 28 हेयर स्टाइल जिसे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है आप वही हेयर स्टाइल रख सकते हो। अगर आपका हेयर स्टाइल गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेयर स्टाइल से मैच नहीं हुआ तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जो लड़की शादीशुदा नहीं है उसके लिए जरूरी है कि वो छोटे बाल रखे। मर्द लोग 5 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे बाल नहीं रख सकते हैं और लीडर किम जोंग उन के जैसा सेम हेयर स्टाइल रखना भी अलाउड नहीं है। 11वीं चीज है नॉर्थ कोरियन कैलेंडर। हमारे लिए अब 21st सेंचुरी है और अब 2023 चल रहा है, पर नॉर्थ कोरिया में अभी 111 साल चल रहा है। हम यूजुअली ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से जुड़ा हुआ है, पर नॉर्थ कोरियंस ज्यू कैलेंडर मानते हैं जो उनके फाउंडर किम इल संग के बर्थ से जुड़ा हुआ है। ये कैलेंडर 1912 में शुरू हुआ था जब किम इल संग पैदा हुए थे। उस हिसाब से नॉर्थ कोरिया में अब 111 साल है, न कि 2023। 12वीं चीज है इंटरनेट। हम इंटरनेट को काफी इजीली एक्सेस कर सकते हैं घर में बैठे बैठे या कहीं बाहर घूमते हुए मोबाइल में, पर नॉर्थ कोरियंस को पता ही नहीं कि इंटरनेट क्या होता है। नॉर्थ कोरिया में कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को छोड़ के हर किसी के लिए इंटरनेट बैंड है। उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी काफी हाई होती है और वो एकदम लैविश लाइफ जीते हैं। ऐसा इसीलिए सो दैट वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंटरनेट में बाहर की दुनिया देखकर कहीं भाग न जाए। 13वीं चीज है पब्लिक हॉलीडेज। इंडिया में हमें लगभग 17 से 25 पब्लिक हॉलीडेज मिलती है, पर नॉर्थ कोरिया इस चीज में हमसे काफी आगे है। नॉर्थ कोरियंस को एक साल में 71 पब्लिक हॉलीडेज मिलती है, मतलब एक महीने में एवरेज 6 पब्लिक हॉलीडेज होती है नॉर्थ कोरिया में, जिसमें विक्ट्री डे, मदर्स डे, लिबरेशन डे और उनके फाउंडर की बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी वगैरह के हॉलीडेज मिलते हैं। तो ये थी 13 ऐसी चीजें जो नॉर्थ कोरिया को बाकी दुनिया से अलग करती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक बंदा 438 डेज तक अकेले रहा पैसिफिक ओशन में तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। गाइस, कभी भी नॉर्थ कोरिया मत जाएं। शुक्र करें आप लोग इंडिया के अंदर हैं या किसी नॉर्थ कोरिया के अंदर नहीं है। मैं शुक्र करती हूँ पाकिस्तान के अंदर। भाई नॉर्थ कोरिया के अंदर इतना बुरा लोगों के साथ हाल होता है, वो इंटरनेट इवन दैट बाल, ओ माय गॉड, मुझे तो अपने बालों से प्यार ही बहुत है। मतलब लाइक अनमैरिड लड़कियां वहां पे इतने इतने बाल रखती है, और उसके बाद आप लोग को जो है एक बंदा क्राइम करे पूरी फैमिली चली जाती है। ऐसे किसी लोगों को जैसे हॉस्टेज बना के रखा होता है, किसी जहन्नम के अंदर वो रह रहे हैं। ठीक है, पता नहीं क्या मतलब दुनिया से बहुत ज्यादा पीछे रह रहे हैं। और थैंक्स गॉड यार नॉर्थ कोरिया के अंदर नहीं पैदा हुए। ठीक है, क्योंकि वहां के लोगों की सिचुएशन मैं जान सकती हूँ। भाई वहां ये पूरी दुनिया मिलकर उनको, लोगों को वहां से आजाद क्यों नहीं करवाते? मतलब लाइक ऐसे क्यों बेचारे लोग हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे नहीं समझ आ रही। मैं उनके लिए बड़ा सैड फील कर रही हूँ, नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए। तो गाइज आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी? मुझे तो बहुत दुख हुआ ये वीडियो देखकर। मैं बहुत सैड हो गई इस वीडियो को देखकर। सैड सिर्फ नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए हुई हूँ कि बेचारों का, और खुशी इसलिए कि शुक्र है पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, या आप लोग किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर आप शुक्र कीजिएगा। और किस किस कंट्री से आप लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।